नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी टर्मिनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, क्या भारत में ये करेंसी वैध है, इन सभी बिंदुओं को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति, संस्था तथा देश को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक करेंसी की ज़रूरत होती है, ताकि उसका उपयोग वह सुचारू रूप से कर सके। इसीलिए प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर है, यूरोप में अपनी करेंसी है उनकी यूरो। इन करेंसियों को भौतिक करेंसी कहा जाता है, क्योंकि इसे आप छू सकते हैं, इसे आप इकट्ठा कर अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इससे अलग होती है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से डिजिटल करेंसी है, इसे आप छू नहीं सकते, लेकिन इसे आप खर्च कर सकते हैं, इसीलिए इसे आभासी या वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती है। इसमें किसी भी सरकार या फिर किसी भी रिजर्व बैंक का अधिकार नहीं होता है। यह करेंसी पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो का अर्थ होता है इनक्रिप्टेड यानी कूटरचित यानी कि कोडिंग, यानी इसमें जब आप पैसा भेजते हो तो वो पैसा दूसरे के पास पहुंचने से पहले कोड में बदल जाता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। इसको जापान के सतोशी नाकामोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। शुरू में ये इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसके रेट आसमान छूने लगे, जिससे ये सफल हो गई। फरवरी 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत एक अमेरिकन डॉलर थी। नवंबर 2013 में एक बिटकॉइन की कीमत 1242 अमेरिकन डॉलर थी। दिसंबर 2017 में 19,000 और दिसंबर 2000 में 28,000 डॉलर, और वर्तमान समय में एक बिटकॉइन की कीमत 43 लाख रुपए के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन ने कितनी तेज़ी से अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। एक डॉलर से शुरू होकर 43 लाख के आसपास चल रही है, और अभी भी भविष्यवाणी की जा रही है कि एक बिटकॉइन तकरीबन 70 से 80 लाख तक जा सकता है। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय तक करीब करीब 4000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती है। बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध है, जिनका प्रयोग आजकल अधिक हो रहा है, जैसे इथीरियम, लिटकॉइन, डोजी कॉइन और रिपल। इसके अलावा भी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फायदे का सौदा होता है। आज मार्केट में लगभग 4000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, और इन सभी कॉइन्स की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी। हालांकि कुछ ही सालों में इनकी कीमत $1,000 तक भी पहुंच गई। अब आप बिटकॉइन को ही ले लीजिए। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब दुनिया भर में रोजाना $1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन आज के समय में बिटकॉइन की एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की जा रही है। इसे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के लाभ और नुकसान के बारे में। नंबर एक, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। नंबर दो, अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना फायदेमंद है, क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेज़ी से उछाल आता है, लिहाजा निवेश के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। नंबर तीन, अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। नंबर चार, क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, जिस कारण नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसे खतरे इसके सामने नहीं आते। नंबर पाँच,
क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उसे देश के बाहर आसानी से भेजा जा सकता है और फिर उसे पैसे में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 6, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छिपा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पैसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। नंबर 7, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित है, बस आपको उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है, लिहाजा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से होने वाले नुकसान पर। तो नंबर 1 नुकसान तो यही है इसका कि क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा जिसको नुकसान कह सकते हैं कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता, मतलब कि ना तो इस करेंसी के नोट छापे जा सकते हैं और ना ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जा सकती है। दूसरा ये कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है, जिससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज़्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा है। नंबर 3, इसका उपयोग गलत कामों के लिए जैसे हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग्स की सप्लाई, कालाबाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल 2 लोगों के बीच ही किया जाता है, लिहाजा ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। नंबर 4, इसका एक और नुकसान ये है कि यदि कोई ट्रांजेक्शन आपसे गलती से हो गया है तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं, जिससे आपको घाटा हो सकता है। कहने का मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो वन वे होता है, आपने किसी को पैसा दिया अगर तो वो पैसा उसके पास चला गया, अब आप चाहो कि उससे पैसा वापस मंगा लो तो वो पैसा नहीं आएगा, हालांकि वहां से आप बताओगे तो सामने वाला दूसरा पेमेंट कर देगा तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो पैसा जो एक बार चला गया वो पैसा दोबारा नहीं आ सकता, ये इसका एक माइनस पॉइंट कहा जा रहा है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका कानूनी पक्ष। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना कानूनी रूप से सही है अथवा नहीं। दरअसल ये फैसला आपकी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में रहकर इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों में अभी भी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, जिसमें भारत भी एक है। यही नहीं, कुछ देशों ने इसे ग्रे जोन में रखा है। कहने का मतलब ये कि वहाँ ना तो इसे औपचारिक तौर पर बैन किया गया है और ना ही इसके प्रयोग की मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है। तो भारत में 1 साल पहले तक क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, ये अवैध मानी जाती थी, क्योंकि अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था। लेकिन 4 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने RBI द्वारा लगाए गए बैन को अवैध बताकर ख़त्म कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब रिजर्व बैंक के पास कोई कानून नहीं है इसको लेकर तो बैन कैसे लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने बैठक की और सरकार ने कहा कि जल्द ही हम एक नया कानून लेकर आएंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। हालांकि समय के साथ साथ नीतियां भी बदल जाती, तो उसी क्रम में जब सरकार को समझ में आया कि जो नई क्रिप्टो करेंसी है इसका ये फ्यूचर करेंसी है, भविष्य की करेंसी है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसका आगे जाकर बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है, इसके बाद ही जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने बयान दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक है उसको अपनाएंगे, बैन हम करेंगे, कुछ प्राइवेट करेंसीज को बैन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन पूरी तरह से नहीं किया जाएगा, यानी क्रिप्टो करेंसी का पैटर्न बदल सकते हैं, मतलब इसमें कि ये रेगुलेशन ला सकते हैं कि जो लोग भी इंडिया के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका KYC कराया जाए, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा होने वाली इनकम पर। तो ये दोस्तों काफ़ी कुछ सही भी है, क्योंकि देश को भी आय होनी चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी अब जाकर रेगुलेट होने के कगार पर आ चुकी है। अभी इधर बीच में कोरोना के कारण सरकार ये विधेयक नहीं ला पाई, इसको जल्द ही लाना है संसद में, और इसके पहले 2019 में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 लाया गया था और इसमें कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन अब सरकार इससे पलटती दिख रही है। अब सरकार चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक है उसको हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर सरकार काफ़ी विचार विमर्श कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे अपनाया जाए, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक है, मतलब जहाँ पर ये संचरण करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य की बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में करप्शन खत्म होने वाला है। तो ये सरकार चूँकि डिजिटल इंडिया की बात करती है तो इसको डिजिटल करना ही करना है। यानी अभी कुछ दिन पहले ही जो रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत जी का भी बयान आया था कि वो लोग भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने के विचार बना रहे हैं और जल्द ही एक नई क्रिप्टो करेंसी आ सकती है जो भारत की क्रिप्टो करेंसी होगी। तो जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी भी हाल में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। और अभी हाल फिलहाल एक खबर छपी थी
23 अप्रैल को, उसमें ये कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर बैन लगेगा तो कुछ प्राइवेट करेंसी पर बैन लगेगा, उसके बावजूद जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है, उनको अपना पैसा निकालने के लिए समय दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भविष्य की करेंसी है और ये आगे जाएगी, भारत को भी इसको खुले मन से अपनाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर कर दें ताकि लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँचे।